हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं और हमें स्वस्थ रखने में जो सबसे जरूरी चीज है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। चलिए एंटीऑक्सीडेंट्स जानने के पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है। ह्यूमन बॉडी बनती है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स से। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम और सिस्टम से बनती है बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी के जो सबसे सूक्ष्म पार्ट वो क्या है, वो सेल्स जो पूरी हमारी बॉडी को बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमें जीवन देती है ऑक्सीजन, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। क्या आप जानते हैं ऑक्सीजन के अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं, और जैसे हम जानते हैं मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मगर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बहुत वीक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है। इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल हमारे मेटाबॉलिज्म से बनते हैं और पॉल्यूशन, रेडिएशन, सिगरेट स्मोक, पेस्टिसाइड, स्ट्रेस, तनाव, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप, ये इनको और बढ़ाते हैं। जब ये फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये हमारी बॉडी के सेल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं उसे इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए। अब अगर ये एक सेल को तोड़ते हैं तो वो फ्री रेडिकल बन जाता है, वो दूसरे सेल को तोड़ता है। इस तरह से एक चेन रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर शुरू हो जाता है और ये चेन रिएक्शन ही हमारे सब बीमारियों का कारण है और इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से अर्थराइटिस, एजिंग, आर्टरी, हार्ट अटैक और इवन कैंसर तक इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होता है। जैसे हम जाते हैं लोहे को अगर बाहर छोड़ दें तो वो चंग खा जाता है, सेब को अगर हम काट दें और थोड़ी देर बाहर छोड़ दें वो काला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हवा के संपर्क में आने पे, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऐसा ही ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में भी निरंतर होता रहता है और ये हमारे सेल्स को तोड़ता रहता है और इसी की वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जब ये हमारे पैंक्रियास को अटैक करता है तो हमको डायबिटीज हो जाता है, और जब ये जॉइंट्स में अटैक करता है, कार्टिलेज को डैमेज करता है तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और धीरे धीरे कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। जब ये आर्टरीज की वॉल को अटैक करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, तो हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यानी कि हर प्रॉब्लम की जो मेन रीजन है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही है। अब सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है? अगर प्रॉब्लम का नाम ऑक्सीडेशन है तो इसका इलाज क्या है? एंटीऑक्सीडेशन, यानी कि एंटी ऑक्सीडेंट्स हम अपनी डाइट में डालें। ये एंटी ऑक्सीडेंट क्या करते हैं? जैसे हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है, और एंटी ऑक्सीडेंट क्या करते हैं? ये अपने पास से उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं और हमारी जो बॉडी में जो डैमेज चल रहा होता है, जो चेन रिएक्शन चल रहा होता है डैमेज का, वो रुक जाता है। और अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग ताकत होती है एंटी ऑक्सीडेंट की, और इसको नापा जाता है और एक वैल्यू से, यानी कि ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी टेस्ट। और अलग अलग प्रोडक्ट्स में, अलग अलग नेचुरल प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स में ये अलग अलग कैपेसिटी में होता है। वेल साइंस द हेल्थ वेल एंड हैप्पीनेस कंपनी लाई है आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम है मैक्सोरेक। मैक्स का मतलब मैक्सिमम एंड ऑरेक का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। और मैक्सोरेक के अंदर है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी के अंदर जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कर्क्यूमिन, और हमने क्या किया है, हमने कर्क्यूमिन का एक्सट्रैक्ट यूज किया है। आप कहते हैं मैं हल्दी तो रोज खाता हूं, पर 30 किलो हल्दी में 30 ग्राम कर्क्यूमिन निकलता है, और कर्क्यूमिन के आज बहुत सारे गुण सामने आ चुके हैं। कर्क्यूमिन जो है एंटी कैंसर काम काज करता है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, प्लाक के बिल्डअप को रोकता है और स्वेलिंग को भी कम करता है। साथ में है इसमें अनार से एलर्जिक एसिड। एलर्जिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये ग्रीन टी और वाइन से भी 2-3 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना गया है। एंटी कैंसर इसकी प्रॉपर्टीज पाई गई है, और स्किन के पिगमेंटेशन को भी रोकता है, यानी कि एक व्हाइटनिंग सॉल्यूशन के रूप में भी ये यूज किया जा सकता है। साथ में डाला गया है टैनिन, जो आंवला का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। आंवला एक बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और आयुर्वेद में इसको रसायन का दर्जा दिया गया है, जो यूथ को, विगर को, वाइटैलिटी को और लाइफ के सेप्सपैन को बढ़ाता है।
साथ में डाला गया है लिक्विडिस मोनेथी। लिक्विडिस स्वेलिंग में, इन्फ्लेमेशन में बहुत अच्छा काम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, स्टमक के अल्सर्स को ठीक करता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा काम करता है। हमने देखा कि एक वेलसेंस का एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट, एक तोहफा, एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट मैक्सोरेक के रूप में, जो हमारा डेली रिक्वायरमेंट जो है, जो 4,000 से 5,000 और एक वैल्यू जो हमको रोज चाहिए होती है, उतना एक सुबह और शाम एक टैबलेट लेने से हमको 4 से 5,000 और एक वैल्यू रोज मिलता है, जो हमको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और आज की जितनी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, कैंसर, इन सब से हमको सुरक्षित रखता है। याद रखिए, एक जंग आपके शरीर में चल रही है फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के बीच, जिसकी भी क्वांटिटी मात्रा ज्यादा होगी वो जीता है। आप किसको जिताना चाहते हैं? बॉडी को डिजेनरेट कराना चाहते हैं या अपनों को स्वस्थ रखना चाहते हैं? इट डज नॉट मैटर कि जिंदगी में इयर्स कितने हैं, मैटर ये भी करता है साथ में कि वो लाइफ की क्वालिटी क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग टू शॉर्ट एंड डाइंग टू लॉन्ग। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है।